अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करते हैं आपको आईटी इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर। सो व्यूवर्स, आज हम आईटी इंटरनेशनल की बैरेटाउन आउटलेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर हसनैन भाई होते हैं, हसनैन भाई ने हमें बुलाया कि यार नई जनरेशन्स के, थोड़ी सी लेटेस्ट जनरेशन्स के हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको सिस्टम्स दिखाएं। तो हमने कहा यार ज़रूर दिखाने चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसनैन भाई, आप कह रहे थे कि कोई आपने 7th-8th जनरेशन में सिस्टम्स हमें दिखाने हैं। जी, हमारे पास लेटेस्ट मशीन है ये। जी जी, i7 8th जनरेशन, ठीक है, की मशीन है ये। जी जी, और इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो 8GB रैम है इसमें। जी जी, और 256GB SSD के साथ है। जी, 64 बिट्स के साथ होती है ये, ठीक हो गया। और दूसरा अगर प्रोसेसर हो जाए, इसका प्रोसेसर की बात अगर करते हैं, 1.30 GHz के ऊपर इसका प्रोसेसर होता है, ठीक हो गया। तो कौन सा सिस्टम है इनमें से? जी ये पड़ा होगा, ये वाला सिस्टम है। जी ठीक हो गया। अच्छा, वैसे लुक वाइज भी देखा जाए ना तो बहुत ही स्लिम सा और स्मार्ट सा सिस्टम है ये, देख, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जरा मुझे ये जो मॉडल नंबर है, जी 5490। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा सिस्टम है? नेक्स्ट ये हमारे पास पड़ा हुआ है डेल लैटिट्यूड, ठीक हो गया। इसके क्या स्पेक्स वगैरह हैं? i5 जी 6th जनरेशन है ये, ठीक हो गया। इसमें भी आपको 8GB रैम और 256GB SSD अवेल करके देंगे, इसमें भी 256GB SSD लग जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इसकी रैम वगैरह या हार्ड ड्राइव जो है इसकी अपग्रेड हो जाती है? हो जाती होती है, ठीक हो गया। जितनी मतलब हमारे व्यूवर्स चाहें वो करवा सकते हैं। ये आप लुक वाइज आप चेक कर लें इसकी। जी, ये जो है डेल का है 7480। अच्छा, कोई अदर ब्रांड्स में दिखाएं कोई हमें ना? अदर ब्रांड्स के अंदर हमारे पास तोशीबा में भी है, ठीक हो गया, HP भी है, एसर भी है, असूस भी है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपने वर्क क्या करना है, उसी हिसाब के, उसी मुताबिक हम आपको ना मशीन प्रोवाइड करके देंगे। सही हो गया। अच्छा ये मुझे ना स्नैन भाई पीछे नज़र आ रहे हैं ये iMac एप्पल के, ये ज़रा इसके बारे में बताएं कि क्या क्या आपके पास? ये एप्पल की जस्ट LCD है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये LCD है। जी ये LCD है एप्पल की, ठीक हो, बोर्ड के साथ होती है ये। ओके हो गया। तो iMacs भी होते हैं अवेलेबल यहाँ पर, मुझे नज़र आ रहे हैं आप iMac में, ये आप चेक कर लें। जी ये हमारे पास पड़ा हुआ है 2013, ठीक हो गया, 27 इंच LCD के अंदर है। जी, और इसके अंदर जो 8GB रैम विद 256GB SSD के अंदर है, ठीक हो गया। अच्छा, तो साथ ही हमें इसके बिल्कुल छोटा साइज नजर आ रहा है स्नैन भाई, इसके बारे में बताएं। ये जो है ये हमारे पास है 2012, ठीक हो गया, और ये भी i5 में है। जी, और 21 इंच इसकी LCD है, इसके अंदर ये 8GB रैम विद 256GB SSD है, ठीक हो गया। ठीक है हसनैन भाई, शुक्रिया आपका, आपने हमें जो सिस्टम दिखाए और लैपटॉप्स वगैरह, मज़ीद आपको जो है न्यू स्टॉक जो आएगा तो मज़ीद हम आपको जो है अपडेट करेंगे। हमारे जो व्यूवर्स जितने भी हैं तो बिल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिस भी हमारे भाई को iMac या लैपटॉप्स वगैरह चाहिए तो वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। अच्छा हसनैन भाई, एड्रेस तो बताएं। जी हमारा एड्रेस है कि बैरियर टाउन के अंदर हम इंटर होते हैं तलवार चौक के पास, तलवार चौक से थोड़ा सा आगे है केक्स एंड बेक्स। जी, उसके बिल्कुल सामने है जोनियन जुगनू के सामने ही है बिल्कुल केक्स एंड बेक्स। जी जी, उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर है हमारा आईटी इंटरनेशनल के नाम से है, सेकंड फ्लोर के ऊपर केक्स एंड बेक्स है सेकंड फ्लोर के ऊपर, ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं तो बिल्कुल हमारे दूसरी साइड पे ग्रैंड मोस्की के सामने आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, तो जो दूसरी हमारी दो आउटलेट्स का एड्रेस, डिटेल्ड एड्रेस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और वैसे भी जो है एड्रेस, यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के अंदर भी शो हो रहा होगा, पट्टी नीचे चल रही होगी तो उस वहाँ से भी आप देख सकते हैं और फ़ोन नंबर वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर किसी भाई को ऑल पाकिस्तान के अंदर डिलीवरीज वगैरह चाहिए, जी, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके ऊपर रब्ता करें, ऑल पाकिस्तान के अंदर आपको डिलीवरी प्रोवाइड करके देंगे। जी चलें, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, अब तो बहुत बड़ी ऑफर दे दी है, मतलब डिलीवरी भी दे रहे हैं आपको ऑल पाकिस्तान में, कहीं भी बैठे आप अपने घर में जो है मंगवा सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मज़ेदार से प्रोडक्ट के रिव्यू में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।